नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका GRL न्यूज में। शहर की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज। 28 फरवरी 2024 को अंबरनाथ नगर परिषद ने शिव मंदिर अंबरनाथ पूर्व पुरातत्व विभाग दिल्ली मुंबई सिंचाई विभाग के पास वालधुनी नदी तल और नदी तटों में अनधिकृत सीमेंट कंक्रीटिंग के संबंध में कलेक्टर उपविभागीय अधिकारी GS अधिवक्ता सरिता खान चंदानी ने दिए विभाग पुणे पुलिस आयुक्त थाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कल्याण अंबरनाथ नगर परिषद और सांसद श्रीकांत शिदे से शिकायत की थी और यह पाया गया कि नगर परिषद ने नदी के किनारे लगभग 50 साल पुराने पेड़ों को काट दिया था और वलधुनी नदी के किनारों को पक्का करने के लिए आज 29 जून को पता चला कि वालधुनी नदी तल में शिव मंदिर अंबरनाथ के सामने नदी के किनारे 50 वर्ष से भी अधिक पुराना पिंपल वृक्ष विरासत पड़ा हुआ था। उक्त पिंपल वृक्ष गिरा हुआ नजर आया। अंबरनाथ नगर परिषद द्वारा वालधुनी नदी क्षेत्र और नदी तट पर अनाधिकृत कंक्रीटिंग के कारण उक्त पेड़ गिरा है। तदनुसार पुरातत्व विभाग दिल्ली और मुंबई सिंचाई विभाग GSDA की सरिता खान चंदानी द्वारा महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 के तहत उक्त ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुरातत्व विभाग दिल्ली और मुंबई सिंचाई विभाग GSDA विभाग पुणे कलेक्टर उपविभागीय अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कल्याण की भी विस्तृत जांच की गई है और जांच के बाद उन पर महाराष्ट्र वृक्ष कटाई अधिनियम 1964 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। 1986 साथ ही पुरातत्व अवशेष अधिनियम 1960 MRT अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 की धारा 8 और महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 की धारा 21 एक के तहत नगर परिषद के माध्यम से सौंदर्यीकरण का ठेका देने वाले ठेकेदार के खिलाफ अंबरनाथ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा शिव मंदिर परिसर में एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि शिव मंदिर एक संरक्षित स्मारक प्राचीन स्मारक और विशेष अधिनियम 1958 की धारा 21 द्वारा राष्ट्रीय निषिद्ध और निषिद्ध क्षेत्र है। 2010 मंदिर की सीमा से 300 मीटर के भीतर निर्माण खनन निषिद्ध। हाँ, महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 20 और 50 के अनुसार सरकारी भूमि का स्वामित्व जिला प्रशासन बटा कलेक्टर और का है। वे शहर में नदियों नालों के किनारों पर अनधिकृत अतिक्रमण और शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे पर नियंत्रण रखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.